वाली, मस्ती वाली, गाना सुनने वाली, राइट? अरे बच्चे भी मजे लेते हैं, आपको क्या अच्छा लगा कल? कल आप आए थे या क्या देखा? कॉमेडी देखी? कॉमेडी में क्या होता है, हंसना कि रोना? हंसना था, एक बार जोर के हंस के दिखा दो, कैसे हंसे थे कल? हम सबसे तो बच्चे ही अच्छे हैं जो छोटी छोटी चीजों में भी मजा लेते हैं और हमें भी मजा लेने का क्या देते हैं मौका। अब मैं अपना माइक हमारे कुणाल सर को देने जा रही हूँ। नहीं थोड़ा सा मैं भी जाऊंगी। आवाज का कुछ चाहिए?
So sir will felicitate to Smita ma'am. Ma'am, a small gesture from So this memento has been sponsored by Jai Sai Jewelers. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. I would like to call upon now Lata Jha, ma'am. Hello, ma'am. Sir, please come to the center. Rajesh Sakhina, sir, and Lata Jha, ma'am. Aap dono please aaiye and Sanjini, ma'am, ko facilitate karenge. Thank you so much, ma'am. Yes, come closer, come close. Hello, ma'am. Samne, samne dikhiye. Hello, ma'am, please look here, samne aap hai. Yes, just wait, one more, sir. Ma'am, one more. Yes, done, thank you. Audiences se request hai, sirf 2 minute ka break hai ye. Rajendra Bofill sir, to felicitate Aliza Khan ma'am. Thank you ma'am, thank you so much. Okay, first year member. Only left one. Yes, one more. Sorry. Okay, sir, look here. Ma'am, look here, please. Yes, wait, wait, sir, wait. One more. Ma'am, look here. Sir, here. Yeah. Ma'am, please. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would like to call upon Kirti Shah on the stage, please. मैम क्या कहना चाहेंगे आपने कितना एंजॉय किया? एंजॉय तो मैंने बहुत किया. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम होने वाला है. संजीवनी भेलांडे मेरी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनको और मुझे पता है बहुत अच्छा गाता है. तो गाना बढ़िया ही गाते हैं लेकिन कुणाल भी गाते हैं ये नहीं पता था. जो आज उनकी गाने सुने जो किशोरदा का जो है टच बहुत ही बढ़िया. एक्चुअली मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने के लिए बट अभी जाना तो पड़ेगा तो इसके लिए जाना पड़ता है. बट मैंने बहुत एंजॉय किया रोटरी का. इनफैक्ट ये पहला कार्यक्रम इस तरह का इवेंट टाइप हुआ वरना मैंने रोटरी के कार्यक्रम बहुत अटेंड किए हैं जहाँ पे मैं स्पीकर होती हूँ और एक बैंकवेट जैसे हॉल में कोई एक टॉपिक पे बोलते हैं. यूजली रोटरी का ऐसे देखा है मैंने. फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का इवेंट ऐसे देखा. क्या बात है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है. रोटरी क्लब के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं क्या कुछ करते हैं? बहुत कुछ करते हैं वो लोग. और अभी के नहीं है बहुत पुराना है रोटरी. बहुत पुराना है. कितने साल हो गए रोटरी शुरुआत हुई कब ही पता नहीं 20-25 साल पहले की. और एवरी वेयर देयर इज दिस रोटरी के क्लब्स हैं इनके हर छोटे छोटे उधर. एंड एवरीबॉडी इज वेरी डेडिकेटेड. वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है कि वोटेरियंस आर ऑल वेरी डेडिकेटेड. बहुत काम कुछ कुछ करते हैं सोशल वर्क करते रहते हैं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं. आपने बहुत सी फिल्में की है. देवदास भी किया हुआ है जो कि काफ़ी यूनिक सा फिल्म था बहुत हिट गया था. वो फिल्म का कुछ यादगार पल बता. अभी उस फिल्म को 25 साल हो गए अभी छोड़ दीजिए मुझे. उस फिल्म का मुझे कुछ भी याद नहीं. कोई मूवी आने वाली है अभी? अभी नहीं अभी मूवी नहीं है कोई. बाकी वेब सीरीज कौन सा काम चल रहा है अनाउंस अभी नहीं करते. फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहिए बस. अभी के लिए तो हम हैं ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए प्रेम करते रहिए बस. थैंक यू मैम थैंक यू सो मच. वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन दिस इवेंट क्रिसमस इवेंट. हां क्रिसमस वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका? क्रिसमस ट्री इन लोगों ने बनाया है. कांग्रेचुलेशंस हैट्स ऑफ वेरी गुड. Yes.
जोर से बोलिए। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई तो बहुत ही वन ऑफ द लीडिंग क्लब्स ऑफ मुंबई हैं, प्राइवेट क्लब्स जो हर तरह से हर एक क्षेत्र में चैरिटी करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। और रोटरी क्लब भांडुप ने आज इतना बड़ा फन फिएस्टा रखा है, यहाँ पर कई बड़े तादाद मतलब अच्छे बड़े तादाद में लोग आए हुए हैं, गाना बजाना सब हो रहा है बढ़िया। आई थिंक इट्स अ नाइस वे ऑफ गेट टुगेदर एंड टेलिंग पीपल दैट कि वी आर देयर टू हेल्प यू, नाइस जेस्चर। हाँ, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। रोटरी क्लब इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक। या ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा नया शो कलर्स पे शुरू हो गया, डोरी 9 बजे आता है, रोज़ आता है, संडे टू मंडे, मंडे टू संडे, एवरी डे। एंड शो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मेरा किरदार बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ कि अगले साल मेरा शो नंबर 1 हो जाए, टॉप पे आ जाए। अभी कलर्स पे नंबर 2 पे है, तो आई विश इट कम नंबर 1 एवरीवेयर। क्रिसमस बेसिकली छुट्टियों का माहौल है, क्लाइमेट इज गुड, पार्टी करते हैं 24th को नाइट और 31st को, दैट्स इट। प्लेजर।